नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस महामारी में हम में से ज़्यादातर लोगों की नौकरी छूट गई है या फिर व्यापार बंद हो गया है या फिर अन्य तरीके से हम लोग हानि का शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम कुछ नए तरीकों को सोचें पैसा कमाने का, पैसा बनाने का। लेकिन हम लोग अगर अपने बेसिक पूंजी पे जाते हैं कि जो हमारा जमा निवेश है, हम में से ज़्यादातर लोग बैंक में ही अपना पैसा जमा करते हैं। तो दोस्तों, बैंक क्या सुविधाएं देती है आप लोगों को, इसके बारे में जान लीजिए। बैंक आपको लेस इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, रिस्क फ्री इनकम है, आपका पैसा सुरक्षित है, लेस लोन फैसिलिटी, आपको बैंक आपके जमा पूंजी पर बहुत ही कम मात्रा में लोन देता है, बैंक मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की फैसिलिटी आप पे थोपता है, यानी बहुत सारे बैंक आपको कम से कम इतना बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो आपको चार्जेस लग जाते हैं। बाकी इंटरेस्ट रेट अभी बैंक का 2.70% से लेके ऊपर तक है, लेकिन मिनिमम 2.70% है। तो दोस्तों, आपको क्या मिलता बैंक में पैसे रखने के लिए? हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं क्यों ना हाई रिटर्न कमाऊँ, मैं अपने निवेश पर अच्छा पैसा क्यों ना कमाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को वही बताऊँगा, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको अच्छे से मिलेगा। आप लोग पूरी वीडियो अंत तक देखिए। तो दोस्तों, आपके क्वेश्चंस रहेंगे, क्या आप हाई रिटर्न पाने के लिए निवेश की तलाश में हैं? क्या आप अपने निवेश पर हाई रिटर्न पाने की तलाश में हैं? क्या आप एफडी के कम ब्याज से परेशान हैं? हम में से ज़्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट कर रखे हैं, ज़्यादातर लोग राष्ट्रीयकरण जो नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक में लोग एफडी करके रखते हैं पैसे। और इस समय इस महामारी में आरबीआई के नॉर्म, जहां आरबीआई ने अपने रेपो रेट काफ़ी नीचे गिरा दिए हैं और उससे जो है जो एफडी फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट है वो प्रभावित हुआ है, या फिर बैंक में बेवजह पैसा रखे हुए हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको सीरियसली लीजिए। अगर बैंक में आप लोग बिना वजह पैसे रखे हैं तो वो भी वेस्ट ही है, क्योंकि बैंक 2.70% इंटरेस्ट दे रही है, उस इंटरेस्ट से आपका क्या होगा। इस वैश्विक महामारी में आप लोग इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए हम लोग किसी न किसी एक अल्टरनेटिव की तलाश में हैं, किसी न किसी एक विकल्प को तलाश रहे हैं, ताकि हम लोग एक अच्छी आमदनी कर सके। दोस्तों, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, ताकि इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, और इस वीडियो में आप लोगों को मैं इस तीन प्रश्न को अच्छे से कवर करूँगा और एक ऐसा अल्टरनेटिव दूंगा आप लोगों को जिसकी ज्यादातर लोगों को तलाश है। दोस्तों, इस महामारी में आजकल कोरोना वायरस और इसके बाद कारोबारी गतिविधियों से पहले से ही बीमार भारतीय अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ा है। अर्थशास्त्री भी चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी में गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं, लगातार जीडीपी गिर रहा है। इसी कारण आरबीआई ने रेपो दर ठीक ठाक कमी की, यानी रेपो दर बहुत ज्यादा कम कर दिया है। इसके नतीजे में देश के बैंकों ने लोन दरें तो कम की हैं, मगर साथ ही एफडी फिक्स डिपॉजिट और बचत खातों पर मिलने वाली ब्याज दरें भी घटा दी हैं। इनके आने वाले महीनों में भी कम रहने की संभावना है, यानी आने वाले समय में भी ये कम ही रहेंगी, ऐसा आप लोग अनुमान क्या ऐसा ही होना है। तो एफडी पर कम ब्याज दर और इक्विटी निवेश में शामिल होने के चलते निवेशक हाई रिटर्न पाने के लिए नए ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, यानी आपका जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू भी जब रेपो रेट आरबीआई ने कम कर दिया है तो इसकी भी ये भी जो हमारे अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं जीडीपी 100% नीचे ही गिरेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही निवेशक में शामिल हैं तो यहां हम आपको ऐसे 6 सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, निवेश के ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। इस वैश्विक महामारी में आप लोग एक अच्छा पैसा बना सके, आप अपने जमा पूंजी पर, अगर आप लोग अपना पैसा बैंक में जमा करके रखे हैं या फिर आप लोग किसी एफडी में हैं, तो वहाँ उसके लिए भी मैं आप लोगों को ऑप्शन बताऊंगा कि आप लोग अच्छी आमदनी कहाँ से कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बेहतरीन निवेश प्लान लेके आया हूँ जिसको देख के आप लोग खुश होंगे। तो दोस्तों, पहला है वो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, एक म्यूचुअल फंड है, फिक्स मैच्योरिटी प्लान म्यूचुअल फंड। बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनियां जो हैं फिक्स मैच्योरिटी प्लान लॉन्च करती हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं, 2.7% का इंटरेस्ट रेट क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग फिक्स मैच्योरिटी प्लान की तरफ मूव कीजिए। फिक्स मैच्योरिटी प्लान आर फिक्स डिपॉजिट, ये भी एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट है, लेकिन ये
इसमें जो है ये क्लोज एडेड और समयबद्ध म्यूचुअल फंड स्कीम है। आपका पैसा फिक्स्ड इनकम पेपर्स और बॉन्ड्स में इस तरह लगाया जाएगा कि उसकी मैच्योरिटी स्कीम के अवधि के साथ मैच हो जाएगी। स्कीम के आधार पर योजना की अवधि कुछ महीनों से कुछ वर्ष तक रहेगी। फिक्स डिपॉजिट की तरह इसमें भी विकल्प आपको मौजूदा रेट पर अच्छा रिटर्न मिलता है, यानी भविष्य में दरों में गिरावट से कोई नुकसान नहीं होगा। स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बेनिफिट्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट, यानी जो आप लोग फिक्स डिपॉजिट फिक्स मैच्योरिटी प्लान मैंने आपको पहला इंस्ट्रूमेंट बताया, इसके मैं कुछ आप लोग को एडवांटेज बता देता हूँ। इनकरेजेज हैबिट ऑफ सेविंग, स्मॉल सेविंग्स लीड टू बिगर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट ऐसा है, इसमें आप छोटा छोटा निवेश जुटा के एक बहुत बड़ा एसेट क्रिएट कर सकते हैं। लोन अगेंस्ट एफडी, जो एफडी होता है इसके अगेंस्ट आपको 95% तक, यानी अगर आपके पास 1,00,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट है तो 95,000 आपको इंस्टेंट लोन बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको लोन मिल जाएगा। यानी आपको रेगुलर अगर इमरजेंसी में कोई फंड की जरूरत है तो आप लोगों को यहाँ से फंड बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। सेफ ऑप्शन, नो मार्केट रिलेटेड रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं मार्केट का, चूंकि एफडी है ये अपना अलग डील करता है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन कम्युनिटी जो है नॉन कम्युनिटी, दोस्तों इसमें आप लोगों को एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है। आप कम्युलेटिव तरीके से ले सकते हैं या फिर नॉन कम्युलेटिव तरीके से ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है इसमें। हायर इंटरेस्ट रेट्स फॉर सीनियर सिटीजन, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 0.65% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपके फिक्स डिपॉजिट पे, ठीक है दोस्तों। गारंटीड रिटर्न्स फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, आपको गारंटी रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आपको कोई फर्म कोई म्यूचुअल फंड कंपनी कह रही है कि आपको हम 25% का रिटर्न देंगे या 20% का, तो उतना रिटर्न आपके लिए फिक्स होगा चाहे मार्केट में कितना भी उतार और चढ़ाव क्यों ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये फिक्स डिपॉजिट का जो कॉन्सेप्ट था फिक्स मैच्योरिटी प्लान का, ये रहा। और दूसरा दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंट है वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड का है। दोस्तों अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं अपने वैल्यूड कस्टमर्स को। दोस्तों शॉर्ट और मीडियम टर्म अवधि वाले वे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें 6 महीने से 2 साल तक के लिए निवेश किया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो थोड़ा अधिक ब्याज हासिल करने के लिए ही लिक्विडिटी बनाए रखना चाहते हैं, यानी जिनको कम समय में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है वो लोग अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और एक बेहतरीन रेट ऑफ रिटर्न का लाभ उठा सकते हैं। यानी आप लोगों को एक अच्छा खासा ब्याज मिलेगा आपके निवेश पे। यानी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान जो पहला इंस्ट्रूमेंट बताया था उससे भी बेटर है अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा देखते हैं, गवर्नमेंट का बॉन्ड्स होता है यानी सरकारी बॉन्ड्स। सरकारी बॉन्ड्स जो होते हैं दोस्तों ये प्योरली गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, ये गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों पर रिटर्न बैंक जमाओं से कम होती है, मगर उन पर यील्ड वार्षिक रिटर्न या ब्याज अभी फिक्स्ड डिपॉजिट के बराबर है, यानी एफडी के बराबर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आप इनमें म्यूचुअल फंड ईटीएफ या सीधे भी निवेश कर सकते हैं। भारत बॉन्ड ईटीएफ में निवेश करने पर भी विचार कर सकते हैं। अभी दोस्तों भारत बॉन्ड ईटीएफ लॉन्च हुआ था उसमें भी आप लोग निवेश कर सकते थे। समय समय पर भारत सरकार लॉन्च करती रहती है इस तरीके के गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसे सरकार की ओर से एडलविस एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है। भारत बॉन्ड ईटीएफ में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन REC लिमिटेड आदि के AAA रेटेड, दोस्तों आप लोग नोट कीजिए, AAA रेटेड डेब्ट पेपर्स में विशेष रूप से निवेश होता है। दोस्तों गवर्नमेंट जानते हैं आप वहां निवेश करती जहां पे रिस्क बिल्कुल जीरो होता है। तो भारत बॉन्ड ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसका नाम है भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दोस्तों ये भारत सरकार का बॉन्ड्स होते हैं जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं और यहां के थ्रू आप लोग सीधा गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट ज़्यादातर AAA रेटेड कंपनियों में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है, तो आप लोगों के पैसे का ज़्यादातर मतलब बहुत ही कम रिस्क होता है। दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं डेप्ट म्यूचुअल फंड। डेप्ट म्यूचुअल फंड दोस्तों एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, मैं आप लोगों को कहूंगा अगर आप लोगों को अपने पैसे को स्टोर करना है पार्क योर मनी इन डेप्ट म्यूचुअल फंड, जब भी आपको जरूरत हो तो वहां से पैसे निकाल के आप स्टॉक मार्केट में जो भी आपका पसंदीदा शेयर हो वहां आप पैसे लगाइए। व्हाट इज डेप्ट म्यूचुअल फंड, अंडरस्टैंडिंग डेप्ट म्यूचुअल फंड। दोस्तों डेप्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। डेप्ट म्यूचुअल फंड ये इक्विटी निवेश की तुलना में अधिक सुरक्षित है क्योंकि यहां पैसे को कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे हाई रेटिंग वाली निश्चित इनकम सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है। ये काफी लिक्विड, पैसा निकालना आसान, लिक्विड उसे कहते हैं, बहुत हाईली लिक्विड होता है जहां से आप पैसा इजीली निकाल सकते हैं और बैंक एफडी की तुलना में बेहतर रिटर्न देते हैं। जितना मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट भी बताया उससे बेहतर डेप्ट म्यूचुअल फंड होता है जहां पे आपको एक अच्छा खासा निवेश भी मिलता है, आपको 1 से 2 दिन के अंदर चंद घंटों में भी आपको पैसा आप अपना वहां से
निकाल भी सकते हैं कभी भी कोई अगर इमरजेंसी पड़ती है तो। कॉर्पोरेट एफडी की बात करते हैं, जो नॉर्मल एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट और कॉर्पोरेट एफडी में, इन दोनों में दोस्तों बहुत डिफरेंस होता है और रिस्क दोनों में, रिस्क फैक्टर भी दोनों में वैरी करता है। इन्वेस्टिंग इन कंपनी या कॉर्पोरेट एफडी, कॉर्पोरेट एफडी का जो रेट डे बाय डे एक्सपोनेंशियली बढ़ता ही जा रहा है। फाइनेंशियल और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कमर्शियल बैंक की तुलना में अधिक ब्याज दरों की पेशकश करती हैं। इन जमाओं की अवधि कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक हो सकती हैं। वैसे ध्यान रहे कि जब आप किसी कंपनी की एफडी चुने तो उसके क्रेडिट रेटिंग कंपनी की पृष्ठभूमि और पेमेंट हिस्ट्री, या कि पहले ब्याज का भुगतान समय पे कर रही है या डिफॉल्ट तो नहीं है, कि जांच करना आपको बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा, कहीं भी आप कॉर्पोरेट एफडी में अगर पैसा लगाइए, ज़्यादातर प्राइवेट फर्म्स या एनबीएफसीज हैं, जैसे इंडिया इंफोलाइन है, आईडीएफसी बैंक है, इस तरीके के बैंक कॉर्पोरेट एफडी की फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो उसमें आप लगाने से पहले पैसा अपने उसमें आप एफडी करने से पहले उसकी अच्छे से जाँच पड़ताल कर लीजिए कि कंपनी अच्छी है, कंपनी डिफॉल्टर तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, दोस्तों SGB। दोस्तों इस टॉपिक पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम को जान सकते हैं, और मैं आई बटन में भी वीडियो दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, कोरोना संकट के बीच इस साल सोना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला एसेट रहा है। असल में संकट के समय सोना सुरक्षित ऑप्शन बनकर सामने आता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम पर सरकारी सुरक्षा रहती है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ये सुरक्षित तरीके से सरकार द्वारा रखा जाता है। यह कागजों में सोने के निवेश करने का सुविधाजनक तरीका है। इसके तहत जब आप इस योजना के माध्यम से सोने को एक निश्चित वजन में रखते हैं तो आप बॉन्ड के रूप में उतने ही मूल्य के मालिक हो जाते हैं। दोस्तों डिजिटल गोल्ड बाय करना और सेल करना आजकल ट्रेंड में है। अभी मैंने आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे मैंने सोने में निवेश किया था और आज सोने की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों इन सभी छह इंस्ट्रूमेंट्स को अगर आप लोग देखते हैं तो पाते हैं कि जैसे मैंने जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट बढ़ाए, सबसे लास्ट का इंस्ट्रूमेंट, लास्ट के दो इंस्ट्रूमेंट बहुत ही बेहतरीन है, उसमें आप लोग निवेश कर सकते हैं। बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया 2020, भारत का अभी 2020 में सबसे बेहतरीन बैंक कौन सा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ या फिर आई बटन में भी डाल दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक बेहतरीन वीडियो बैंक पर बनाई है, उस बैंक में आप लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, थोड़ा थोड़ा निवेश करके आप अच्छा पैसा भविष्य में बना सकते हैं, ऐसा मेरा रिसर्च किया हुआ है। दोस्तों इन्वेस्ट कीजिए आप लोग, इन्वेस्टमेंट इज ए बेटर ऑप्शन व्हेन एवर यू हैव टेक हाई रिटर्न। दोस्तों जहां भी आपको अच्छा रिटर्न मिले, बेस्ट रिटर्न मिले, वहां आप निवेश कीजिए, लेकिन निवेश करने से पहले आप लोग उस कंपनी के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए कि कंपनी समय पर इंटरेस्ट पे कर रही कि नहीं, समय पर पैसे कस्टमर को मैच्योर होने दे रही कि नहीं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इस फिगर में आपको दिख रहा है कि एक आदमी एफडी लेके जा रहा है और डेप्ट म्यूचुअल फंड सीधे ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रमोद को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूले दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्लीज लाइक शेयर दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, आप लोगों की पूरी हेल्प की जाएगी। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं एक एक कमेंट अच्छे से पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई करता हूं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।